मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। मित्रों आज आपसे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय है हरियाणा का विधानसभा चुनाव। वैसे तो हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, नतीजे भी आएंगे, लेकिन इन नतीजों का असर पूरे देश की राजनीति पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति पर इन नतीजों का असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। हिंदुत्व की राजनीति पर इन नतीजों का असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, आगे शर्मिंदा होंगे या उनकी ताकत और बढ़ जाएगी? इस पर भी नतीजों का असर पड़ने वाला है। तो इन नतीजों की चर्चा तो हर जगह होगी, 4 अक्टूबर को नतीजे भी आएंगे हरियाणा के। लेकिन मित्रों जैसा कि आप देखते हैं कि एक सर्वे आया है, और सर्वे जो है वो टाइम्स नाउ का सर्वे आया है, और ये जो सर्वे है ये सर्वे पूरी तरह से एक अलग और उल्टी सी कहानी दिखा रहा है। यानी कि पूरे देश के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है कि जो बीजेपी का डाउनफॉल आ चुका है, बीजेपी अब हर राज्यों में लगातार सीटें हारती चली जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो चुनावी सर्वे आया है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल इससे जुदा दिखाई दे रही हैं, इससे अलग दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी भी फाइट में है, बहुत तेजी से, अच्छी तरह से, मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मूर्खताएं हैं और विनेश फोगाट को लेकर जिस तरह की राजनीति है, वो सब जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा पड़ता हुआ नजर आना शुरू हो चुका है। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मित्रों आज आपसे हम बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि ये हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो आप जरूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585, इस पर गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है, आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद, ये रिसिप्ट, इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। तो मित्रों सर्वे के नतीजे बताने से पहले मैं एक बार चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर राहुल गांधी ने किस तरह की मूर्खताएं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की हैं। मित्रों इस समय राहुल गांधी पूरी तरह से पूरे देश के अंदर बार बार एक दलित मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मायावती का वोट है उसको हासिल करना चाहते हैं, उसको खींचना चाहते हैं। हरियाणा में भी दलितों की तादाद अच्छी खासी है, लेकिन कुमारी शैलजा जो कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो दलित नेता हैं, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि जाट नेता हैं, जाट राजनीति करते हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि हरियाणा के अंदर एक राजनीति होती है, वो राजनीति क्या होती है कि जाट वर्सेस गैर जाट। अब तक बीजेपी इसी जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति करके ही वहां पे सत्ता पर बहुत आराम से काबिज होती आ रही है। लेकिन अब अगर हम इसमें यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देखें तो वो ये है मित्रों कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी चूक कर दी है। राहुल गांधी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि बताओ कि आखिर इस देश में कितनी दलित मिस यूनिवर्स बनी है। यानी वो लगातार दलित कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा अब एक दलित कैंडिडेट होने के नाते हरियाणा में ये बात लगातार उठ रही है कि कुमारी शैलजा इस बार राहुल गांधी, और वैसे भी कुमारी शैलजा को राहुल गांधी पसंद भी करते हैं एक सीएम कैंडिडेट के रूप में, तो ऐसे में वहां पर जो जाट बिरादरी के वोटर हैं वो एक दलित नेता को, एक दलित कैंडिडेट शैलजा कुमारी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करने जाएंगे, इस बात की संभावना बहुत ही कम है। यानी अगर देखा जाए तो कुमारी शैलजा को बार बार प्रमोट करके, बार बार एक ही दलित कार्ड को चल करके देखा जाए तो जाटों को नाराज कर रहे हैं राहुल गांधी। सबसे ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो यह है, अब जाटों की अस्मिता को बचाने के लिए या जाट अस्मिता के नाम पर राजनीति करने के लिए राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के जरिए एक समीकरण सेट करने की कोशिश की है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से खाप ने बुला करके उनको मेडल दिया, और जिस तरह से
यहां पे सारी की सारी कवायद हुई, जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, इसके बाद अब जो है जाट वर्सेस राजपूत, यानी कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह को निशाने पर लेने के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म के अंदर राजजातियों की का बंटवारा करने के लिए एक दूसरे से लड़ाने की जो रणनीति बनाई, ये अब एक्सपोज हो चुकी है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होकर के विनेश फोगाट ने सहानुभूति खो दी है, राजनीति में कूद करके उन्होंने सहानुभूति खो दी है, उनका असली चेहरा, उनकी जो आंदोलन की असलियत है वो सामने आ चुकी है। यही वजह है कि अब जाट जो है वो इस विनेश फोगाट के नाम पर क्या राहुल गांधी के साथ इकट्ठा होगा, इस पर अब संशय लग गया है। तो अब यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये रणनीति भी अब इनकी राहुल गांधी की फेल होती हुई नजर आ रही है। और ये जो जाट राजनीति जिस तरह कर रहे हैं राहुल गांधी, उससे भी बीजेपी को लाभ होगा, क्योंकि और जो गैर जाट जातियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में पहले भी लामबंद रही हैं और इस बार भी लामबंद हो सकती हैं। और इससे क्या होगा कि जो बीजेपी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर 10 सालों की है उसको भी खत्म करने में एक मदद मिल सकती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से राहुल गांधी ने अपने बयानों के जरिए लगातार मूर्खताओं के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं उसका असर जो है उन चुनाव नतीजों पर पड़ता नजर आ रहा है। तो अब मैं जरा यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि आखिर अगले चुनाव में क्या होगा वो तो देखेंगे, लेकिन टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कहता है, तो टाइम्स नाउ का जो सर्वे है जरा उसको एक बार हम देख लेते हैं। मित्रों थोड़ा सा धुंधला आपको नजर आ रहा होगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, फिर भी आप जरा समझिए मैंने हाथ से लिखा है। तो देखिए पार्टी अनुमान सर्वे और 2019 में क्या सीटें थी, तो बीजेपी गठबंधन को हरियाणा के अंदर इस बार जो सर्वे कह रहा है कि 42 सीटें अधिकतम मिल सकती हैं। 2019 में बीजेपी को यहां पे 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को सर्वे में इस बार अधिकतम 38 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन मिल रही हैं, लेकिन 2019 में 31 सीटें मिली थी। और जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की है उसको 8 सीटें इस सर्वे के मुताबिक मिल सकती हैं इस बार, और 10 सीटें उसको 2019 में मिली थी। यानी अगर हम इन सब चीजों को देखें तो एक बात जो है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आती है, और वो बात नजर क्या आती है कि पिछले बार के मुकाबले अगर 40 सीट पिछली बार मिली थी तो इस बार बीजेपी को 42 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी अगर देखा जाए तो टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कह रहा है, टाइम्स नाउ का सर्वे ये कह रहा है कि एक तो ये कि हरियाणा के अंदर हंग असेंबली होगी, यानी कि त्रिशंकु विधानसभा होगी, 90 सीटें हैं और 45 सीटों से ज्यादा किसी को नहीं मिलने वाली हैं, सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी बनेगी, और अगर निर्दलीयों की संख्या बढ़ती है तो बीजेपी की सरकार बनाने की गुंजाइश एक बार फिर से बढ़ जाएगी। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम वोट परसेंटेज पर गौर करें मित्रों, तो आप देखिए मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, आप देखिए ये हरियाणा का आप नक्शा देख रहे हैं यहां पे, और इसमें अगर आप देखिए मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं कि यहां पर वोट परसेंट क्या है। तो बीजेपी को जो है इस बार 35.2% वोट मिलने का सर्वे में अनुमान है, पिछली बार 36% वोट मिले थे बीजेपी को, यानी कि थोड़ा सा कम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार 28% वोट मिले थे, इस बार कांग्रेस पार्टी के वोट बढ़कर 31% हो रहे हैं, जबकि जो जननायक जनता पार्टी है उसके जो वोट हैं मित्रों वो जो है यहाँ पे घटते नजर आ रहे हैं। जेजेपी को जो 14% वोट मिले थे इस बार इनको यहाँ पे 12% वोट मिल सकते हैं, और अन्य को 20% के करीब वोट यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये अपने आप में पूरा गणित दिखा रहा है कि स्थिति कहीं ना कहीं जस की तस बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात मित्रों ये भी है, और बड़ी बात क्या है कि हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, या उत्तराखंड हो, यहाँ पे जो सीटें हैं उनमें इतने कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होता है कि इतना आसान नहीं होता कोई प्रेडिक्शन करना। हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज भी बीजेपी कहीं भी मुकाबले से बाहर नजर नहीं आ रही है, जो कि लगातार दावे किए जा रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है। तो नायब सिंह सैनी के कामकाज पर भी एक सर्वे हुआ है, और सर्वे में कहा गया 40% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, 21% लोगों ने कहा कि उनका काम औसत है, और अगर देखा जाए तो एक बड़ी बात ये मित्रों कि इसमें 60% से ज़्यादा लोग जो है वो काम से संतुष्ट नजर आते हैं नायब सिंह सैनी के। एक और वहाँ पर सवाल पूछा गया, वो ये पूछा गया कि ये जाट बनाम जो गैर जाट की राजनीति है इसका कितना असर है, तो 38% लोगों ने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है, यानी कि उन्होंने कहा कि ये फैक्टर उनके दिमाग में रहेगा जब वोट देने जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो जाट बनाम गैर जाट की बात है उसमें 43% लोगों ने कहा कि ये जो है उनके लिए मुद्दा इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो हर राज्य के अपने समीकरण होते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे हरियाणा में जो जाट
हैं वो एक प्रभावशाली उनको माना जाता है, बहुत एक प्रभावशाली वहाँ पे उनका समुदाय है, उनका एक ज़बरदस्त प्रभाव है। तो यही वजह है कि वहाँ पे राजनीति दो हिस्सों में ऐसे बढ़ जाती है। तो उसी के आधार में मैंने आपको यहाँ पे ये विश्लेषण किया है और उसी पर वहाँ पे ज़मीनी राजनीति हमेशा होती रही है। तो मित्रों आपके इस पर क्या विचार है? अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनने वाली है, आपका सर्वे क्या कहता है? जितने लोग भी हरियाणा के जरूर बताएं कि उनका सर्वे क्या कहता है। और इसके अलावा मेरी मित्रों आपसे ये प्रार्थना भी है कि दो दो लाइन तीन तीन लाइन आपको जो लगता है वो अपने कमेंट्स इस पर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। ये हमारा बारकोड है, आप हमारा वीडियो देखते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो आप ज़रूर हमारा सपोर्ट भी कीजिए। एक ये नंबर है 8376862585, इस पर गूगल पे भी है, फोनपे भी है, पेटीएम भी है, आप चाहें तो इस पर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप भी है, आप चाहें तो अपनी रसीद, ये रिसिप्ट, इस पर आप व्हाट्सअप भी हमें कर सकते हैं।